So I have made the diagram for the next topic to save the time. The next topic is functions of the tubules. ठीक है, this topic is almost related with the previous topic. काफ़ी कुछ हमें पता है, बस हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे ये देखना है कि किस चीज़ का कहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है, सो इससे पहला टॉपिक था हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. दिस इज फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स. फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स मतलब कौन से ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट, चाहे PCT है, DCT है, लूप ऑफ हेनली है या कलेक्टिंग डक्ट है, उनमें से किसका क्या पर्टिकुलर फंक्शन होगा. ठीक है, और फंक्शन हमने तीनों टाइप के बताने हैं कि उस पार्ट के अंदर, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट PCT तो PCT के अंदर रीअब्जॉर्प्शन कौन सा होगा, किस किस चीज़ का होगा और सिक्रेशन किस किस चीज़ का होगा. ठीक है, सो दिस इज़ द डायग्राम विच आई हैव ऑलरेडी मेड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, क्योंकि ये देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन नहीं है इसका, मोस्टली पार्ट इसका कोर्टेक्स में है, पर जो ये वाला पार्ट है लूप ऑफ हेनली, दिस इज क्वाइटली डीपली इंसर्टेड इनटू मेडुला पार्ट. तो यहाँ ये वाला पार्ट होता है कोर्टेक्स, ये मैं एक्चुअली बता चुका हूँ आपको पहले भी, दिस इज मेडुला पार्ट. ठीक है, अगर ये लूप ऑफ हेनली ऊपर होता, मतलब मेडुला के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ तक होता बस, तो हम इसको कॉल कौन सा नेफ्रॉन बोलते, देन वी विल कॉल इट कोर्टिकल नेफ्रॉन, अदरवाइज इट दिस इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. सो दिस इज ए जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल में कौन सा आता है, ट्यूब्यूल में वी विल नॉट इंक्लूड ग्लोमेरुलस. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद PCT. सो द फर्स्ट पार्ट इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और PCT. सबसे मेन पॉइंट, जितना भी हमारा 60-70% ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट विल टेक प्लेस विद इन PCT. किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम. ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको डिटेल में. ठीक है, तो ये ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम क्या करता है, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर. ठीक है, तो इसके अंदर पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट 60-70% ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन PCT ड्यू टू ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम. ठीक है, और ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई. लिख सकते हैं, लिखने को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई विच इंक्रीजेज मैं ऐसे करके लिखता हूँ ऊपर की तरफ एरो SES. ठीक है, अगर डिक्रीज लिखना होता तो मैं ऐसे नीचे की तरफ एरो लिखता और SES लिख देता. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहीं भी ऐसा वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाना इंक्रीज डिक्रीज की बात हो रही है, ऊपर की तरफ एरो इंक्रीज. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. अब देखो, मैंने इससे पिछले डायग्राम में बताया था कि जो चीज़ यहाँ से बाहर निकलेगी, इस तरफ ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ जाएगी, उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन में. और जो एरो ट्यूब्यूल की तरफ जा रहा है, मतलब जो ट्यूब्यूल के अंदर चीज़ जाएगी, उसको बोलेंगे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन. अब इस डायग्राम को देख कर ही आप बता सकते हो कि यहाँ से किस किस चीज़ का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ है. ठीक है, सो पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सेलेक्टिव
reabsorption of, देखो वहां से कार्बोनेट आयंस, सोडियम क्लोराइड, वाटर, पोटेशियम आयन और न्यूट्रिएंट्स का पार्ट मैं यहां पे लिखूंगा अलग से, दैट अराउंड 65-70% ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड हेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं सिक्रेशन वाले पॉइंट में। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ बुलेट्स की फॉर्म में, ये दोनों पॉइंट इसी के हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब यहाँ से सिक्रेशन किस चीज़ का हो रहा है? ठीक है, एक एच आयंस का और अमोनिया का। ठीक है, दोनों के दोनों टॉक्सिक हैं, इसकी वजह से जो है वो क्या होगा, एच आयंस जहाँ भी जाएंगे वो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेंगे, अमोनिया जो है इट इज़ हाईली टॉक्सिक, तो वो हाईली टॉक्सिक यहाँ से फिल्ट्रेट ना होकर वो कहाँ गई, डायरेक्टली ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू हमारे ब्लड से यूरिन के तरफ जाएगी। ठीक है, सो इसमें लिखेंगे एच आयंस एंड हाईली टॉक्सिक अमोनिया NH3 will be secreted into tubules to reduce toxicity from blood toxicity किसकी वजह से? अमोनिया की वजह से। तो यहाँ पे जो सिक्रेशन हो रहा है वो एक्चुअली कहाँ से हो रहा है, ये अभी मैंने पिछले डायग्राम में बताया था, इस डायग्राम में मैं वो चीज़ नहीं बना रहा हूँ, आपकी ब्लड कैपिलरी, तो ब्लड कैपिलरी में से आपका इस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर गया है, PCT के अंदर गया है। सो एच आयंस एंड हाईली टॉक्सिक अमोनिया विल बी सिक्रेटेड इनटू ट्यूब्यूल्स टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी फ्रॉम ब्लड, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी कम हुई और इसकी वजह से क्या होगा, एंड टू मेंटेन pH, जहाँ पे एच आयंस ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट है तो मतलब pH लो है, तो आपकी जो यूरिन है वो कितना एसिडिक होगा, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ मच आयंस आर सिक्रेटेड इनटू ट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ओनली, ये वाला पार्ट। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज लूप ऑफ हेनली। सो लूप ऑफ हेनली इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दिस इज डिसेंडिंग लिंब एंड दिस इज असेंडिंग लिंब। इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है उसकी डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ और इसके अंदर है ऊपर की तरफ। ठीक है, सो दिस इज डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनलीज लूप और ये है आपका असेंडिंग, मैं लिखता नहीं हूँ इसमें स्पेस कम हो जाएगा नहीं तो। ठीक है,
तो लूप ऑफ हेनली के अंदर फर्स्ट हम ए पार्ट करेंगे डिसेंडिंग लूम, डिसेंडिंग लिम। अब देखो कई सारी हायर बुक्स में मिलेगा आपको कि थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये एक्चुअली में क्या है, देखो डायग्राम से पता चल रहा है, यहाँ जो ये डिसेंडिंग लिम्ब था लूप ऑफ हेनली का, यहाँ तक वो थिक है, यहाँ पे आके थिन हो गया, ठीक है, थिन चला, यहाँ पे भी असेंडिंग में भी वो थिन चला, यहाँ पे जाके फिर दोबारा थिक हो गया, ठीक है। सो दिस इज थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज थिक पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, और ऐसे इसमें बताना है दिस इज थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, दिस इज थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग नीचे की तरफ, ये असेंडिंग ऊपर की तरफ, ये थिक पार्ट, ये थिन पार्ट। सो वी विल कंटिन्यू विद डिसेंडिंग लिम्ब। सो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या है, यहाँ से आपका वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड। बट आयंस एंड NaCl will ऐसे नहीं, इसको लिखते हैं but it is impermeable, मतलब जिसमें से कोई चीज़ नहीं जा सकती, but it is impermeable for NaCl and अदर आयंस, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो फिल्ट्रेट बना था, उस फिल्ट्रेट में से वाटर तो निकल रहा है पर आयंस नहीं निकल रहे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो यहाँ पर फिल्ट्रेट बना दैट विल बिकम हाइपरटोनिक, यहाँ जो बना था वो आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, पर यहाँ पर दिस विल बिकम हाइपरटोनिक, क्यों, क्योंकि इसमें से वाटर पार्ट तो निकल गया, आयंस अभी भी अंदर हैं, तो कंसेंट्रेशन बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ड्यू टू दिस फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपरटोनिक टू प्लाज्मा, कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, प्लाज्मा के साथ कर रहे हैं, ठीक है। सो डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, जो पीसीटी था उसका एक पॉइंट और लिख सकते थे आप, जो मैंने यहां पे लिखा है कि यहां पे जो फिल्ट्रेट बनेगा उस दैट विल बी आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब सेम, आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा, तो यहां आके क्या हो गया, वो हाइपरटोनिक हो गया क्योंकि पानी इसमें से निकल गया है। नाउ वी विल मूव टू ascending part, ascending limb of loop of Henle. अब ध्यान से देखना है, जो इस डायग्राम में है आपने वही चीज लिखते जानी है, वाटर यहां से निकलता दिखाई दे रहा है नहीं, क्यों, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ Henle's लूप is impermeable for water but it is permeable for potassium ion, magnesium ion, sodium chloride, ठीक है, यही चीज लिखनी है हमें यहाँ पे। सो पहले लिखेंगे impermeable to water so, इसके लिए परमिएबल है तो इसका पॉइंट हम डायरेक्टली एक ही पॉइंट बना देंगे, परमिएबल टू दिस एंड दीज विल बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन टू, कहाँ पर जाएंगे, दिस विल गो इन टू ब्लड कैपिलरीज ऑफ वासा रेक्टा। तो सेकेंड पॉइंट परमिएबल फॉर आयंस that is sodium ion, chloride ion and potassium, magnesium ion
and these are reabsorbed from here. ठीक है, यहाँ से अब वो रीअब्जॉर्ब हो गए. अब देखो, अब यहाँ से ये चीज़ भी निकल गई. ठीक है, आयंस जब निकल गए तो क्या होगा, अगेन हाइपोटोनिक हो जाएगा. यहाँ था हाइपरटोनिक, यहाँ बन गया हाइपोटोनिक. सो फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपोटोनिक. देखो लिखने को मैं यहाँ पे भी मेंशन कर सकता हूँ, पर हौच पौच बहुत हो जाएगा. अब मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, दिस इज हाइपरटोनिक. ये बन गया आपका हाइपोटोनिक. यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आइसोटोनिक आएगा आपका. ठीक है, लिख देते हैं कहीं दोनों में, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके. ठीक है, आइसोटोनिक. आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, मतलब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होगा उसकी कंसंट्रेशन दैट विल बी सेम विद द ब्लड प्लाज्मा, बट यहाँ पे इंक्रीज होगी थी और यहाँ पे डिक्रीज होगी थी. यहाँ पे आके आइसोटोनिक होता है पीसीटी में भी और डीसीटी में भी, और यहाँ पे आके फिर दोबारा हाइपरटोनिक हो जाएगा. ये अभी मैं बताऊँगा हाइपरटोनिक क्यों होगा यहाँ पे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट. ठीक है, देखता हूँ कोई पॉइंट अगर इसका रह गया है तो. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट इज डीसीटी, थर्ड पार्ट. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, सेम वही चीज हमने डायग्राम से देखते जाना है और बताते जाना है. सबसे पहला पॉइंट, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किसका हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, H2O एंड कार्बोनेट आयंस. सो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ NaCl, वाटर, HCO3 कार्बोनेट आयंस फ्रॉम फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट विद इन डीसीटी. ठीक है, सो डीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट था उसमें से रीअब्सॉर्प्शन किसका हो गया, NaCl का, H2O का, HCO3 का. ठीक है, वाइल पोटेशियम आयन, अमोनिया एंड H आयंस will be secreted into DCT from blood capillaries. देखो ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे H आयंस था, अमोनिया था, यहाँ पे भी H आयंस है, अमोनिया है. तो आपने ध्यान रखना है कि जो एक्सक्रीशन का काम है, जो ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम है, वो या तो पीसीटी में ज़्यादा हो रहा है या वो डीसीटी में हो रहा है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा. ठीक है, ठीक है. तो अब यहाँ से ये आयंस सेलेक्टिव रीअब्सॉर्ब होने की वजह से और सिक्रीट होने की वजह से क्या हो गया, अब यहाँ पे
filtrate becomes isotonic. Isotonic to blood plasma. Next, fourth part, collecting ducts. So collecting ducts में क्या है, सबसे main point आएगा इसके अंदर. इसके अंदर क्या होता है, एक hormone है ADH. आपने छोटी class में 10th class में ही पढ़ा होगा. मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं. कलेक्टिंग डक्ट्स. सो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है, देर इज ए हॉर्मोन नेम्ड एज ADH, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन, विच विल एब्जॉर्ब वाटर. देखो वाटर हमने बाहर की तरफ दिखाया है यहाँ से. सो कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन दैट विल बी क्वाइट लो एज कम्पेयर टू द फिल्ट्रेट विच इज बींग फॉर्म्ड थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. जो यहाँ बना था फिल्ट्रेट, उसके कंपैरिजन में फाइनली जो यूरिन पास आउट होगा उसका वॉल्यूम 99% तक कम है. दिस इज जस्ट 1% ऑफ द टोटल फिल्ट्रेट. वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपका कलेक्टिंग डक्ट में से रीअब्जॉर्ब होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन ADH. तो लिखते हैं यहाँ पे, अंडर द इन्फ्लुएंस of hormone, कौन सा hormone, this is hormone of posterior pituitary gland. आपने 10th class में pituitary gland पढ़ा होगा, ठीक है, this is master gland बोलते हैं हम उसको. पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन लोब होते हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब. तो पोस्टीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसलिए मैंने लिख दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज एंटी डाययूरेटिक हॉर्मोन, शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं मोस्टली इसकी ADH, या इसका दूसरा नाम भी है वैसोप्रेसिन, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, ADH या वैसोप्रेसिन. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन वैसोप्रेसिन, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड to reduce the volume of urine, ठीक है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से निकल गया, यूरिन की अमाउंट कम बनी. दूसरा, यहाँ से आपका यूरिया जो है वो भी रीअब्जॉर्ब होता है, दिस यूरिया विल गो इंटू इंटरस्टिशियल स्पेस ऑल्सो. देखो इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते किसको हैं, कि एक तो ये हो गया नेफ्रॉन का पार्ट, दूसरा इसकी यहाँ से जो चलेंगी कैपिलरीज वो हो गई आपकी रेटेटेस्टिस, ठीक है. रेटेटेस्टिस और नेफ्रॉन को हटा दें तो जितना भी स्पेस बच गया दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल टिश्यू. तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूड होगा, ठीक है. तो इंटरस्टिशियल फ्लूड के अंदर जाएगा यूरिया और वहां से जाएगा आपका लूप ऑफ हैनली, यू शेप्ड. तो यहां पे ये पॉइंट लिख सकते हैं हम, यूरिया इज ऑल्सो रीअब्सॉर्ब्ड इनटू
interstitial fluid to increase osmolarity of medullary tissue. देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट जो है क्या है मेडुला, इससे ऊपर वाला पार्ट क्या था कोर्टेक्स. इस मेडुला पार्ट का जो यहाँ पे ये जो स्पेस है मेडुलरी टिश्यू का स्पेस है वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूड होगा. तो हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूड एज वेल एज मेडुलरी टिश्यू वहाँ पे ओस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे यूरिया आ गया, यहाँ से यूरिया सिक्रीट हुआ, रीअब्जॉर्ब हुआ और यहाँ पे आ गया. इस यूरिया की वजह से जो ओस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो गई. ओस्मोलैरिटी नॉर्मली, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, उससे रिलेटेड है. ओस्मोलैरिटी जो है वो यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुलरी पार्ट इट विल ऑलवेज इंक्रीज. ठीक है, तो यहाँ तक आते आते मेडुलरी पार्ट में आते आते जो ओस्मोलैरिटी है आपकी वो 1200 से 1400 हो जाती है. ठीक है, जबकि ऊपर यहाँ पे 300 से स्टार्ट होती है वो. तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फिर आपका वाटर और भी फास्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब होता चला जाएगा और फाइनली क्या होगा आपका यूरिन का वॉल्यूम इट विल बी एक्सक्रीट आउट क्वाइट लेस. तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, ये मैंने जैसे ही लिखा है कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बना है दिस इज हाइपरटोनिक टू. हाइपरटोनिक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पानी निकल गया, जहाँ पानी निकला था वहीं पे हाइपरटोनिक हो गया, यहाँ निकला था हाइपरटोनिक हो गया, अब यहाँ निकल रहे तो भी हाइपरटोनिक लिखना है हमने. सो दिस इज हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा बट यहीं पे लिख देता हूँ बट आइसोटोनिक टू इंटरस्टिशियल फ्लूड. मतलब यहाँ जो फ्लूड है उसकी और इसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ पे जो ये फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ब्लड विच इज बीइंग फ्लोइंग इन रेटेटेस्ट रेटे वासा रेक्टा एंड अदर ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ वेरियस ट्यूब्यूल्स. तो आपके दो टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, द वन वाज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड द सेकेंड इज फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, बोथ आर इंटर रिलेटेड. जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस डायग्राम ओनली. ठीक है, सो वी विल कवर दैट टॉपिक इन टू नेक्स्ट वीडियो. तो आप ये वाली चीज़ें दोबारा एक बार घर पर जाके किसी भी हेल्प बुक से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे. ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो आप वीडियो फिर से देखोगे. तो जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय.